आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम निवेदन करते हैं, हमारे बीच मंच पर विराजमान हैं, आपने कई बार इनको सुना होगा, उनके यूट्यूब चैनल पर अनिल साहब के नाम से आप जानते होंगे, तो उन्हीं से आज हमारे बीच में वो यहाँ पर विराजमान है, आज रूबरू उनसे उनके विचार सुनेंगे, संत श्री अखिलेंद्र साहब जी। और आपने इनको कई बार सुना होगा, उनका यूट्यूब चैनल है अनिल साहब के नाम से। आइए आज रूबरू सौभाग्य है, आज हम उनको रूबरू सुनने का सौभाग्य प्राप्त करें। बोलिए सदगुरु देव की जय। बोलिए सदगुरु देव की। पंडाल में काफ़ी लोग हैं और आवाज़ें नहीं आ रही है। मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा, आवाज़ बुलंदी की आवाज़ हो, सभी लोग स्ट्रिक्ट हो करके बैठेंगे, कुछ मिल जाए आपको, जीवन के रहस्य खुल जाए, कुछ मन में जो पर्दा छाया है, मन में जो अंधकार है, मन में जो काई का पर्दा है वो निकल जाए, जीवन सफल हो जाए। मान्यताओं और आडंबर में आज तक हम जीवन को यूं तबाह किए हैं। आइए शुरू करते हैं, एक बार जयकारा लगाएंगे सभी लोग। बोलिए सतगुरु देव की जय। सत्संग पंडाल में लोग इधर उधर चलेंगे नहीं, शांति से बैठेंगे, चलने की जगह नहीं है ये। मैं सदगुरु कबीर की एक साखी है, करो बहिया बल आपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। सदगुरु कबीर एक ऐसे विचारधारा जो पूरे भारत में छाया हुआ है और हर प्रवक्ता, हर गायक, हर व्यक्ति के जुबान पर सदगुरु कबीर की वाणी रहती है। सदगुरु कबीर जो बोलते हैं वो आदमी के दिल को छू जाता है, घात कर जाता है। और कहते हैं ऐ लोगों, बड़े प्यार से कह रहे हैं, ऐ लोगों कर बहिया बल आपनी, ऐ लोगों अपने बाहों बल पर भरोसा रखो, छाण बिरानी आस, दुनिया की आशा भरोसा छोड़ दो। जिसके आंगन में नदी बह रही हो, पवित्र नदी बह रही हो, आदमी प्यासा मरे, सदगुरु कबीर साहब उदाहरण देते हैं, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। और मैं समझता हूँ हम सारे के सारे लोग प्यासे बैठे हुए हैं, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, ज्ञान मिल रहा है, प्रकृति से खुली किताब है, हमको सुंदर जीवन मिला है, सुंदर विचार मिला है, पर भी आज हम अज्ञानता में हम ढके हुए हैं, आज भी हमारे अंदर अज्ञानता छाया हुआ है। इसलिए सदगुरु कबीर को कहना पड़ा, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। आपके पास ज्ञान की एक नदी बह रही हो और आप प्यासा मर रहे हो, और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पानी में मीन प्यासी मोहि सुनी सुनी आवत हाँसी। आदमी कैसे अपने जीवन को तबाह करता है, जैसे मछली पानी में रह करके प्यासी हो, वैसे ही आदमी एक ज्ञान के सरोवर में रह करके प्यासा मरता हो। सदगुरु कबीर ने इस सारे चीज़ों को इसलिए कहा कि आदमी ने अपने से अलग हट करके भगवान, खुदा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, इनके नाम पर अपने समय और शक्ति को बर्बाद करते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर को ये बातें कहना पड़ा, ये लोगों अपने बाहों बल पर भरोसा रखो। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, पंडाल में बैठे सभी लोगों से, अपने आप पर भरोसा रखना, अपने जीवन पर भरोसा रखना, अपने गुरु परंपरा पर भरोसा रखना, अपने कर्मों पर भरोसा रखना, अपने बाहों बल पर भी भरोसा रखना, दुनिया के भौतिक प्राणी और पदार्थों पर भरोसा करके, दुनिया के देवी और देवता, पाखंड और आडंबर पर भरोसा करके अपने जीवन को बर्बाद मत करना। आज भी लोग अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए लगे हैं। आदमी न जाने कितने किलोमीटर भगवान के नाम पर अपने जीवन को, शरीर को कहना चाहिए, इतना तड़पाते हैं, शरीर को इतना कमजोर बना देते हैं, और ये सब भगवानवादी पंडितों का चाल है। मैं कड़वी बात कह रहा हूँ, आदमी ने पंडितों ने आदमियों के बुद्धि को ऐसा कुंठित किया,
कि हर जगह भगवान 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 के नाम पर भगवान कहाँ है उसको नहीं बताया, और मिट्टी पत्थर इसी में आदमी के बुद्धि को अटका दिया। भगवान के नाम पर आज धर्म में इतना अन्याय चल रहा है, धर्म में इतना अनाचार हो रहा है, धर्म का परिभाषा ही उलट गया है, धर्म कुछ और हो गया है और धर्म कुछ अलग रह गया है। इसलिए आज भगवान आपके अंदर है उसको नहीं बताया गया है, आपके अंदर भगवान है उसे नहीं बताया गया। और भगवान के नाम पर आज इतने मंदिर बनते चले जा रहे हैं, मस्जिद बनते चले जा रहे हैं, इंसान के अंदर भगवान है वो दिखाई नहीं दिया। आज से कुछ महीने पहले तिरुपति बालाजी मंदिर के एक पुजारी के 3 बेटियों की शादी हुई, तीनों बेटी के शादी में सोना लाया गया, 1 क्विंटल 25 किलो सोना। कहाँ से कमा करके लाया? आप देते हैं पैसा, आपको ये पता होना चाहिए आपको दान कहाँ करना चाहिए। आज से 1.5 साल पहले तिरुपति बालाजी मंदिर के एक पुजारी के यहाँ रेड पड़ी तो 36 कैरेट सोना 3 करोड़ की संपत्ति निकली थी। कहाँ से आया पैसा? आपने दिया। क्यों आप भगवान के नाम पर अपने को बर्बाद करते हैं? भगवान के नाम पर बच्चे के विचारों को कुंठित करते चले जाते हैं, और जादू टोना भूत प्रेत तंत्र मंत्र के नाम पर जैसे ही बच्चा पैदा होता है उनके गले में ताबीज पहना देते हैं, कुछ और पहना देते हैं। क्यों आप अपने बच्चे को कमजोर बनाते चले जाते हैं? क्या सदगुरु कबीर ने यही कहा? कोई पंडित पुजारी कहते हैं कि गुरुवार को उपवास रहो, कोई कहते हैं मंगल को उपवास रहो, कोई कहते हैं पीपल की पूजा करो, कोई कहते हैं व्रत की पूजा करो, कोई कहते हैं शंकर की पूजा करो, कोई कहते हैं नदी की पूजा करो, कोई कहते हैं और कुछ। किसकी बातें माने आप? समस्या तो ये है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सुनिए, सबकी निबेरिए अपनी। सदगुरु कबीर ने कहीं पर नहीं कहा मेरी पूजा करना, मेरी उपासना करना, मेरे नाम पर जप तप हवन तर्पण करना। लेकिन आज कबीर पंथी लोग भी बाजार लगा करके बैठे हैं। यहाँ तक भी कहा जाता है कबीर पंथ में सिर्फ एक है जो धर्म के, एक है जो मोक्ष के अधिकारी है, उन्हीं से ज्ञान लेने पर ही मोक्ष मिल सकता है। क्या मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा, मोक्ष कोई पदार्थ है क्या? मोक्ष कोई वस्तु है क्या? मोक्ष कोई सामान है क्या जो आदमी उठा करके बांटता चला फिरे? मोक्ष तो मन की स्थिति होती है। गुरुदेव जी ने कहा मोक्ष मोह का क्षय हो जाना मोक्ष है। आप कितना अपने जीवन को परिमार्जित करते जाते हैं? क्यों आप अपने को तड़पाते हैं? क्यों आप अपने को तराशने का प्रयास नहीं करते हैं और बच्चे को सही विचारधारा की ओर नहीं ले जाते हैं? आज यहीं बैठे पंडाल में ना जाने कितने लोगों के गले में ताबीज होगा, क्यों ताबीज बांधा गया है पता ही नहीं उनको। ना जाने कितने लोग अंगूठी पहने हैं, क्यों अंगूठी पहने हैं पता ही नहीं है उनको। क्यों आप अपने को कमजोर बनाते हैं? सदगुरु कबीर का विचार यही विचार है जो एक भूचाल पैदा कर देता है, अपने अंदर लहर पैदा कर देता है। आज सदगुरु कबीर का विचार मिला है। एक जगह एक नई बहू शादी होने के बाद घर में आती है, और घर में आने के बाद में उनकी सासू माँ कहती है बेटी चलो तुम तैयार हो जाना, नहा धो करके अच्छे से तैयार हो जाना, पूजा की थाली ले लेना, हमको एक मंदिर में पूजा करने के लिए जाना है। कोई किसी घर की बहू नहीं, आपके घर में घटना घट सकती है, हकीकत घटना है। वो माँ बोलती है बेटी तैयार हो जाना, मंदिर चलना है। पूजा की थाली तैयार हो गई, तैयार करने के बाद में बहू अपने माँ के साथ में, सासू माँ के साथ में पीछे पीछे चल रही है, पीछे पीछे चल रही है। एक मंदिर में माँ प्रवेश करती है, एक मंदिर में माँ प्रवेश करती है, बहू वहीं पर रुक जाती है। मंदिर में माँ पर चली गई, उसके बाद दूर से बुलाती है बेटी तुम आ जाओ यही मंदिर है। इतने में बहू बोलती क्या है, माँ मुझे डर लग रहा है, तुम जहाँ खड़ी हो वहाँ आइड साइड बगल में शेर खड़ा हुआ है, मुझे उस शेर से डर लगता है, शेर से डर लगता है। माँ बोलती है बेटी ये शेर नहीं है, ये तो सिर्फ एक सीमेंट का कास्ट पत्थर का बना हुआ मूर्ति है, इसमें जान नहीं है, इससे तुम डरो मत, तुम मेरे पास आ जाओ यहाँ भगवान हैं। उनके कहने पर वो शेर के मूर्ति से डरती नहीं है बेटी, उनकी बहू डरती नहीं है, मंदिर में प्रवेश कर जाती है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद माँ बोलती है बेटी पूजा करो। इतने में बहू बोलती है माँ किसकी पूजा करूँ, कहती हैं ये भगवान हैं।
वो बेटी देखती है चारों तरफ सिर घुमा करके कहते हैं कहीं भगवान मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। माँ बोलती है बेटी यही तो भगवान है। उसकी माँ बोलती है बेटी यही तो भगवान है। बहू बोलती है माँ जब बाहर में खड़ा हुआ शेर में जान नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है, तो ये काष्ठ का बना हुआ मूर्ति में जान और भगवान कैसे पैदा हो सकता है, आप बताइए। और इतना करने के बाद में वो बहू अपने माँ के चरणों में झुक जाती है, माँ के चरणों में लिपट जाती है। बहू बोलती है हे माँ तू ही मेरी असली भगवान है, तू ही मेरी देवता है, तू ही मेरी भगवान है, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भगवान नहीं है। आज इंसान के साथ अन्याय हो रहा है, इंसान के साथ अत्याचार हो रहा है, जो खाते हैं उसका अन्न छीना जा रहा है और जो नहीं खाते उनको अन्न चढ़ाया जा रहा है। पूजा और पाठ के नाम पर, हवन और तर्पण के नाम पर, आज धर्म के नाम पर आपके घर में कुछ नहीं हो रहा हो, आपके घर में अमंगल ही अमंगल हो रहा हो, तो बस बेल पत्ते तोड़ लेना, शंकर भोले में चढ़ा देना, आपकी आपका हर काम अच्छा होगा। आप पीपल पत्ते तोड़ लेना और हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देना, राम राम लिख देना 108 पत्ते पर लिख देना, सब कुछ अच्छा होगा। यदि इतना अच्छा होता तो आज पूरा मंगल ही मंगल होता, आज हमारे भारत देश में हॉस्पिटल की जरूरत नहीं होती। जिन्होंने कहा कि आपके बच्चे यदि पेपर के दिन तैयार नहीं किया हो तो शंकर भोले में बेल पत्ते चढ़ा देना, आपके बच्चे पेपर में तैयारी नहीं किए हों पर भी पास हो जाएंगे, याद रखना उनके दोनों बच्चे पेपर में एग्जाम में फेल हो गए थे जिन्होंने कहा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा। बड़े प्रसिद्ध व्याख्या कथाकार है, उनके दोनों बच्चे फेल हो गए थे, उनको चाहिए था कि अपने बच्चे को पहले बेलपत्ते चढ़वाना चाहिए था। आप क्यों अपने जीवन को भगवान के नाम पर, और पंडितों ने ऐसा पासा फेंका है आदमी की बुद्धि को ऐसा कुंठित करता चला गया है। जो कुछ होता है भगवान की कृपा से होता है, गुरुदेव जी कहा करते हैं जो कुछ होता है भगवान की कृपा से होता है। तो आज नक्सलाइड आतंकवाद के हाथों से जो गोलियां और बारूदें जो चल रही है वो भी तो भगवान की कृपा है। क्यों आप भगवान के नाम पर दुनिया का शोषण करते हैं। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, बच्चे पैदा हो उनको अच्छा शिक्षा दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए। बच्चे पैदा होते ही उनके भूख झाड़ फूक शुरू हो जाता है, बच्चा पैदा होते ही उनके गले में ताबीज पहना दिया जाता है, उनके हाथों में उनके कमर में धागा पहना दिया जाता है, क्या इससे मंगल होगा। क्यों आप अपनी बुद्धि को विकसित नहीं करते हैं। सदगुरु कबीर के विचार को पा करके आज बुद्धि को विकसित नहीं किया आपने, तो कब विचार को आप अपने जीवन का विकसित कर पाएंगे। आप आ जाए ऐसा लहर चला है जहां सिर्फ मान्यता के आधार पर आदमी को गढ़ता चला जा रहा है, मान्यता और कर वो पंडितों ने ऐसा पासा फेंका। आदमी आप घर बना सकते हैं लेकिन उसमें गृह प्रवेश नहीं कर सकते। गृह प्रवेश कब होगा, जब शुभ मुहूर्त निकलेगा और पंडित आएगा तब गृह प्रवेश होगा। आप बच्चा पैदा कर सकते हैं लेकिन बच्चे का नाम नहीं रख सकते, नाम रखेंगे तो कौन रखेंगे, आप ब्राह्मण पंडित ही रखेंगे। आप बच्चे के लिए लड़की ढूंढ सकते हैं, लड़का ढूंढ सकते हैं लेकिन शादी आप नहीं कर सकते। शादी करेंगे तो सिर्फ ब्राह्मण करेंगे, पंडित करेंगे, दूसरा नहीं कर सकते। आप गाड़ी ले सकते हैं लेकिन गाड़ी का उद्घाटन, गाड़ी का शुरुआत ब्राह्मण और पंडित के पूजा के बाद ही हो सकता है। इतना विशेष ढंग से श्री राम का मुहूर्त शोधा गया था, श्री राम भगवान का मुहूर्त तीन बड़े बड़े विद्वान शोधे थे लेकिन मुहूर्त के चक्कर में उनको कभी सुख और सकुन नहीं मिला। पूरे हमारे भारतीय परंपरा में रामायण साक्षात प्रमाण है। आप कौन सा मुहूर्त देखते हैं। क्यों आप जब पैदा होते हैं तो बिना मुहूर्त के पैदा होते हैं, जब इस दुनिया से अलविदा होते हैं तो बिना मुहूर्त के इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं, लेकिन जीवन जीते हैं तब मुहूर्त देखते हैं। जन्म लेते हैं बिना मुहूर्त के, पैदा लेते हैं बिना जन्म लेते हैं पैदा होता है, बिना मुहूर्त के मृत्यु होती है बिना मुहूर्त के। और जब जीवन को सुधारना है, जीवन का अच्छा काम करना है, जीवन को तराशते जाना है, जीवन में अच्छा और सफल व्यक्ति बनना है, तब मुहूर्त देखा जाता है। क्यों आप अपने बुद्धि को कुंठित करते चले जा रहे हैं। विकास करिए आज।
आज आज हमारे भारत देश में मंगल ग्रह यहाँ से 245 लाख किलोमीटर दूर है, लेकिन सिर्फ नुकसान होता है तो लड़की के शादी और लड़की और लड़का के शादी में मंगल ग्रह का काम है टांग अड़ाना, उनका और कोई काम नहीं है, सिर्फ लड़की और लड़कों के शादी में टांग अड़ाया करते हैं। आदमी को सब पर भरोसा होता है लेकिन अपने आप पर भरोसा नहीं होता, अपने कर्मों पर भरोसा नहीं होता, अपने गुरु परंपरा पर भरोसा नहीं होता है। आदमी को पत्थर पर भरोसा है, अंगूठी पर भरोसा है, सोने चांदी पैसा पर भरोसा है, लेकिन अपने जीवन पर भरोसा नहीं है, अपने जीवन पर भरोसा नहीं है। क्यों आप अपने जीवन को तबाह करते चले जा रहे हैं? सुंदर जीवन का निर्माण करिए। आप पैदा होते हैं, आज सुंदर विचार मिला है, सुंदर मन मिला है, सुंदर वातावरण मिला है, आज जीवन को तराशना चाहिए, जीवन को सफल बनाना चाहिए, शांति का जीवन जीना चाहिए। यहाँ से एक सूत्र लेकर के जाइए। कल भी परसों भी मैंने कहा था, माता पिता का सम्मान करना मत भूलना, माता पिता ही आपके उद्धारक है, और उस माँ बाप को कभी मत तरसाना, उस माँ बाप को कभी तकलीफ मत देना, उस माँ बाप को कभी पीड़ा ना हो। कभी माँ बाप के आंखों में आपके वजह से आंसुएं नहीं आनी चाहिए, कबीर पंथ यही सिखलाता है। दुनिया में हर व्यक्ति पैसा कमाना सिखाता है, लेकिन कबीर पंथ साधु संत पैसा का कैसे सदुपयोग करना चाहिए, जीवन को कैसा जीना चाहिए तरीका सिखाते हैं। आप सभी को मैं अनेक अनेक धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हेलो, एक बार पुनः जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। बहुत सुंदर हम लोगों ने पूज्य साहब जी के विचार सुने। आपने ये बहुत गौर से देखा होगा और समझा होगा इस बात को कि आपको सद्गुरु कबीर के विचारों से जो निर्भयता आपके अंदर में पैदा होती है, सद्गुरु कबीर के विचारों से जो आपका जीवन सजता है, वो आपने जीवन में बदलाव देखा होगा। नहीं तो आज धर्म के नाम पर अनेकों धर्म कथावाचक लोग बाहर बैनर लगवा देते हैं और पांडाल के बाहर लिखवा देते हैं कि आप अपने जूते और बुद्धि को यहीं रख करके पांडाल के अंदर प्रवेश करें। क्योंकि धर्म का मामला है, भगवान का मामला है, इसमें आप तर्क नहीं कर सकते, इसमें आप कोई प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि ये धर्म का मामला है। और सद्गुरु कबीर का मंच, सद्गुरु कबीर के अनुयायी ये आपको नहीं सिखाते हैं, आपकी बुद्धि को तर्कशील करते हैं, आपको विचार करने पर मजबूर करते हैं। आप उन विचारों को आपके अंदर में सत्यासत्य की बुद्धि जगाने का प्रयास करते हैं। ये क्रांतिकारी विचार आपको उस मंजिल तक पहुंचाते हैं जिस मंजिल की आप खोज करते हैं। बहुत सुंदर हम लोगों ने साहिब जी से उनके क्रांतिकारी विचार सुने।